तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे ना बहुत सारे कमेंट्स ये आ रहे थे कि दीदी, अब जो लास्ट डे बते हैं तो उनमें हम कैसे प्रिपरेशन करें अपनी। जैसे कि आप लोगों को बताइए कि RO वाला एग्ज़ाम जो है 11 फरवरी को होने वाला है, तो उसके लिए आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए और आप जो है किस तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे हो वो भी बताइए, किन बुक से कर रहे हो तो वो भी बताइए। तो उसी के चलते मुझे बार बार कमेंट्स आ रहे थे, तो फिर मैंने सोचा चलो एक वीडियो अलग से ही बना देते हैं, सेपरेट वीडियो, ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए। मैं जो आपको बताऊँ एक सजेशन के तौर पर, आपको अच्छा लगे तो आप भी उनको ही फॉलो करिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है और इतने टाइम में जो है बस हमें अब वही करना है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और रिवीजन तो ज़्यादा से ज़्यादा ही करना है। तो चलिए फिर देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो जी, ये तो सब आपको पता ही होगा कि RO वाले एग्ज़ाम में जो है दो पेपर होने वाले हैं, एक सामान्य अध्ययन का और एक सामान्य हिंदी का। और सामान्य हिंदी जो है हमारी 60 नंबर की है और इसका जो है वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हिंदी तो बिल्कुल आपको करनी ही करनी है। हिंदी में से तो आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। तो इसमें 10 नंबर के विलोम शब्द है, वाक्य वर्तनी शुद्धि 10 नंबर की, अनेक शब्दों के लिए शब्द 10 नंबर, तत्समय तद्भव 10 नंबर, विशेषण विशेष 10 नंबर, पर्यायवाची शब्द 10 नंबर। तो ये जो 60 नंबर का है पेपर होगा हमारा सामान्य हिंदी का, इसमें से आप ऐसा कुछ नहीं है जो छोड़ सको, और इसे आपको करना ही करना है। तो ये तो हो गया हमारे सामान्य हिंदी का। और अब चलते हैं अपने GS के लिए। GS में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पर इस टाइम ज़्यादा फोकस करना है, तो जी ये हो गया हमारे GS का, मैंने बना के रखा है पहले से। इसमें कुछ चीज़ें जो है मैंने ऐड कर दी हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। तो सबसे जो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी पे आना है वो आना है करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है हमारा 20 से 25 नंबर तक आता है। तो इसलिए सबसे पहले जो है आपको 1.5 से 2 घंटे डेली, मैं तो यही कहूँगी आपको करंट अफेयर्स पर जो है पूरा फोकस करना है। इसके बाद अभी इतना समय नहीं है, अगर आपकी तैयारी कुछ कम है तो जिन सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा कवर करना है, जिस पर ज़्यादा फोकस करना है, उसी का मैं बता रही हूँ। उसके बाद है आपका आधुनिक भारत का इतिहास, इसके भी 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स और फिर आधुनिक भारत का इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, इसको करिए। इसके बाद अपनी पॉलिटी यानी कि राजव्यवस्था, इसमें भी जो है 9 से 12 तक क्वेश्चन आते हैं। फिर आते हैं साइंस की बारी। साइंस में आप भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इनको जो है अगर आपका बिल्कुल भी नहीं हुआ है तो इनको आप स्किप कर दीजिए। इसके बाद आप लीजिए जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, इसमें भी 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद तर्कशक्ति परीक्षण, इसमें भी 10 से 15 तक क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको भी स्किप नहीं करना है। इसके बाद आता है भूगोल। भूगोल में भारत का भूगोल करना है 10 से 12 क्वेश्चन। और फिर आपका आता है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, इसमें भी आपके 10 से 15 तक क्वेश्चन आते हैं। तो जो ये मैंने आप लोगों को ये बताए हैं टॉपिक यानी कि सब्जेक्ट, ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इनमें से जो है क्वेश्चन का वेटेज जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैंने वही सब्जेक्ट आप लोगों को बताए हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और आते भी है। तो सबसे पहले आप इन सब्जेक्ट को अपना अच्छे से कंप्लीट करिए, और उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचेगा तो बाकी के सब्जेक्ट भी आप देख सकते हैं। तो जिस तरीके से जो है आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, और अभी एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों के साथ जो है साथ के साथ ही शेयर कर लेती हूँ। मुझे बार बार जैसे कि पूछा जाता है कि अब आप जो है कौन सी बुक को जो है पढ़ते हो, किन बुक को आपने रेफर किया है। देखिए जी, वैसे तो मेरे पास स्टैंडर्ड बुक भी है और मैं पिछले वीडियोज़ में बहुत बार दिखा भी चुकी हूँ, तो मैंने उनको पढ़ा है। लेकिन अब इतना टाइम नहीं है, अगर आपकी तैयारी कुछ कम है और आप भी जो है एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो अभी बस आपको क्या करना है, अपने PYQ के जो ये क्वेश्चन पेपर है हमारे घटना चक्र के, ये मैंने जो है बुक ले रखी है, मेरे पास ये सामान्य हिंदी की है और ये सामान्य अध्ययन के लिए है यानी कि GS के लिए। इसमें सारे सब्जेक्ट हैं और उनके सारे सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन जो है इसमें कवर है। तो ये हमारे PYQ 15 से 20 साल को क्वेश्चन है, उनके साथ उनका हल भी दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया हुआ भी है। तो आप इन बुक को ही परचेज करके इन बुक को ही बस अब पढ़े, सिर्फ पढ़े, और बार बार जितना हो सके उतना पढ़े, तो यही जो है सफिशिएंट होगा। तो बस अभी इन्हीं बुक को फॉलो करना है, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सारी बुक जो है दिखाऊं, तो क्योंकि टाइम तो कुछ बचा ही नहीं है, तो उनका कोई मतलब नहीं रह गया बुक को दिखाने का। तो अभी जितना भी हो सके आप जो है प्रैक्टिस कीजिए, जो भी हमारे 15-20 साल के क्वेश्चन हैं उनको पढ़िए, और घटना चक्र में पूर्वालोकन में हमारे 15-20 साल के जो क्वेश्चन होते हैं वही होते हैं। तो बस आप इन्हीं बुक को जो है
रेफर करूँगी मैं आपको कि आप इन्हीं पढ़ें। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो बस अब अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं, आप भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए। बाय।